हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल कंप्यूटर क्लासेस। और आज की इस वीडियो हम सीखने वाले हैं पावर पॉइंट के अंदर डिजाइन टाइप का यूज हम कैसे करते हैं। डिजाइन टाइप के अंदर यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, इन सभी का हमें पावर पॉइंट यूज करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो आई फ्रेंड्स, मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताता हूँ। तो देखिए, डिजाइन टाइप में जो हमारे पास पहला ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं थीम ग्रुप, जो हमारा स्टाफ से दिखाई देता है। और इसका जो काम होता है, द पेज दैट वर्क इन पावर पॉइंट इज कॉल्ड ए स्लाइड। पावर पॉइंट के अंदर जिस पेज पे आप काम करते हैं उसे हम स्लाइड बोलते हैं। सो द स्लाइड द थीम इज यूज टू क्रिएट ए ब्यूटीफुल कलर। और यहाँ पर थीम का यूज है, अपने स्लाइड को एक बढ़िया सा कलर देना हो या फिर एक अच्छा सा लुक देना हो तो उसके लिए हम थीम ग्रुप का यूज करते हैं। अगर हमें थीम ग्रुप का यूज करना हो किसी भी स्लाइड पे तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्लिक ऑन द स्लाइड वेयर यू अप्लाई थीम या कलरफुल। जिस स्लाइड के ऊपर आपको थीम या फिर उसे कलरफुल करना हो उसके लिए आपको उस स्लाइड पे क्लिक करना है। उसके बाद डिजाइन टाइप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डिजाइन टाइप पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द थीम टू अप्लाई, फिर आपको वहाँ पे थीम दिखा देगा फ्रेंड्स बहुत सारे। तो आपको जिस थीम को अप्लाई करना है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इट विल अप्लाई टू ऑल योर स्लाइड्स। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम किसी भी थीम का यूज करते हैं तो आपका एक स्लाइड पर अप्लाई नहीं होता है, वो आपका सभी स्लाइड पे अप्लाई होगा। तो इस तरीके से हम थीम का यूज करते हैं। और यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा हुआ है, इफ़ द थीम यू क्लिक इड ऑन इट टू बी अप्लाई ऑन ए सिंगल स्लाइड। आपने जिस थीम पे क्लिक किया है उस थीम को आपको सिर्फ एक ही स्लाइड पे अप्लाई करना हो तो उसके लिए आपको क्लिक ऑन द स्लाइड, जिस स्लाइड पर आपको थीम अप्लाई करना है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद डिजाइन टैब में जा करके राइट क्लिक ऑन द थीम टू अप्लाई, जो भी थीम आपको अप्लाई करना है उस पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद क्लिक अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, एक ऑप्शन होगा आपका अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड का, फिर आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, नाउ द थीम विल बी अप्लाई टू ओनली वन स्लाइड। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जिस थीम पे आपने क्लिक किया है वो आपका सिर्फ एक ही स्लाइड पे अप्लाई होगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक नोट और लिखा हुआ है, इफ़ यू वांट टू यूज ए लॉट ऑफ थीम्स, अगर आपको बहुत सारे थीम का यूज करना हो तो उसके लिए क्लिक थीम ग्रुप एरो बटन। डिजाइन टाइप के अंदर जहाँ पे थीम ग्रुप दिया हुआ है वहीं पे एक एरो बटन होगा इस टाइप का, इस बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे थीम दिखाई देगा फ्रेंड्स, और जो भी आपको अप्लाई करना है या यूज करना है तो आप कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है वेरियंट्स ग्रुप का, और इसका जो काम होता है, वेरियंट्स ग्रुप इज यूज टू 3 और 4 डिफरेंट कलर्स ऑफ द थीम यू यूज ऑन ए स्लाइड। जिस स्लाइड के ऊपर आपने थीम यूज किया हुआ है उस थीम का डिफरेंट डिफरेंट कलर करना हो तो उसके लिए आपको वेरियंट्स ग्रुप का यूज करना पड़ता है। और यहाँ पे आपको 3 और 4 डिफरेंट कलर्स, यानी कि 3 से 4 कलर ही आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। और देखिए, वेरियंट्स ग्रुप का यूज करना हो तो हम कैसे करेंगे, क्लिक ऑन द स्लाइड, जिस स्लाइड पर आपने थीम अप्लाई किया हुआ है और उसमें आपको कलर चेंज करना हो तो उस वाले स्लाइड पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद वेरियंट्स ग्रुप पर जाना है, जाने के बाद चूज थीम कलर, वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाई देंगे फ्रेंड्स, तो जो भी आपको कलर अप्लाई करना है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका थीम का कलर चेंज हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, वेरियंट्स ग्रुप के अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे देखिए, उसके अंदर एक और ऑप्शन आपको दिखाई देगा कलर्स का, जो हमारा स्टाफ से दिखाई देता है। इसका जो काम होता है, कलर्स आर यूज टू अप्लाई मल्टीपल कलर्स ऑन द सेम थीम आफ्टर अप्लाई ए थीम टू एनी स्लाइड। किसी भी स्लाइड पे थीम अप्लाई करने के बाद अगर आपको मल्टीपल कलर का यूज करके अपने थीम का डिफरेंट डिफरेंट कलर चेंज करना हो तो उसके लिए आपको कलर्स का यूज करना पड़ता है। और देखिए, इसके बाद दिया हुआ है फॉन्ट्स, जो हमारा स्टाइल से दिखा देता है। इसका यूज क्या होता है फ्रेंड्स, आफ्टर अप्लाइंग द थीम ऑन एनी स्लाइड, किसी भी स्लाइड पर थीम लगाने के बाद द फॉन्ट इज यूज टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल ऑफ द टाइपेड टेक्स्ट। देखिए फ्रेंड्स, जिस स्लाइड के ऊपर आपने थीम लगाया हुआ है और वहाँ पे आपने बहुत सारे टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, जो भी आपने टेक्स्ट टाइप किया हुआ है उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए आपको फॉन्ट्स का यूज करना पड़ता है। इसके बाद एक ऑप्शन से हमारा इफेक्ट्स का, जो हमारा इस टाइप से दिखा देता है। इसका जो काम होता है, आफ्टर अप्लाइंग द थीम ऑन एनी स्लाइड, किसी भी स्लाइड पर थीम अप्लाई करने के बाद द इफेक्ट आर यूज टू चेंज सम डिफरेंट कलर इफेक्ट्स इन द सेम थीम से। किसी भी स्लाइड पे जो आपने थीम अप्लाई किया हुआ है उसी थीम से रिलेटेड आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर का इफेक्ट लगाना हो तो उसके लिए आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन का यूज
करना पड़ता है। और देखिए ये जो यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए हुए हैं कलर्स फॉन्ट्स और इफेक्ट्स, इन तीनों का यूज करने के लिए आपको यहाँ पर वेलेंस ग्रुप में जाना पड़ता है। आप इस वाले ग्रुप में जा करके आसानी से आप इन सभी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा कस्टमाइज ग्रुप जो हमारा स्टाफ से दिखा देता है। इसके अंदर पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्लाइड साइज और इसका जो काम होता है स्लाइड साइज आर यूज टू मेक द साइज ऑफ द स्लाइड, किसी भी स्लाइड का साइज सेट करना हो तो उसके लिए आपको स्लाइड साइज का यूज करना पड़ता है। और देखिए इसके बाद लिखा हुआ है स्मॉल एंड बिग, स्लाइड को छोटा करना हो या बड़ा करना हो। और टू सेट यूजर अकॉर्डिंग, देखिए फ्रेंड्स स्लाइड का साइज अपने अकॉर्डिंग भी आपको चेंज करना हो, जितना भी आपको विड्थ हाइट रखना है अपने स्लाइड का, तो उसके लिए आप स्लाइड साइज का यूज कर सकते हैं। और कैसे करेंगे फ्रेंड्स, तो उसके लिए डिजाइन टैब पे क्लिक करना है, उसके बाद कस्टमाइज ग्रुप में आपको जाना है, जाने के बाद स्लाइड साइज भी आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसका यूज करके आप स्लाइड को छोटा बड़ा या फिर साइज अपने अकॉर्डिंग चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं। जैसे देखिए स्लाइड साइज के अंदर पहला ऑप्शन होगा आपका स्टैंडर्ड का जो आपका स्टाफ से दिखा देगा, और इसका जो काम होता है स्टैंडर्ड इज यूज टू शो विड्थ लेस एंड हाइट हायर इन ए स्लाइड, किसी भी स्लाइड की विड्थ कम और हाइट ज़्यादा दिखाना हो तो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड पे क्लिक करना है। और कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए डिजाइन टैब पे क्लिक करके आपको जाना है स्लाइड साइज में, और जाने के बाद आपको क्लिक करना है स्टैंडर्ड पे। जैसे ही आप स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे फ्रेंड्स जो भी आपकी स्लाइड है उसकी विड्थ कम और हाइट ज़्यादा हो गई। और इसके बाद स्लाइड साइज के अंदर और भी ऑप्शन होते हैं, एक होता है आपका वाइड स्क्रीन जो आपका इस टाइप से दिखाई देगा, इसका जो काम होता है द वाइड स्क्रीन इज यूज टू शो विड्थ मोर एंड लेस हाइट इन द स्लाइड, किसी भी स्लाइड का विड्थ ज़्यादा और हाइट कम दिखाना हो तो उसके लिए आपको वाइड स्क्रीन का यूज करना पड़ता है। और कैसे करेंगे, डिजाइन टैब पे क्लिक करना है, फिर आपको स्लाइड साइज पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसी के अंदर एक ऑप्शन होगा आपका वाइड स्क्रीन का, इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे फ्रेंड्स जो भी आपका स्लाइड है उसकी विड्थ ज़्यादा हो गई और हाइट कम हो गई। तो इस तरीके से हम वाइड स्क्रीन का यूज करते हैं। और इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा फॉर्मेट बैकग्राउंड जो हमारा इस टाइप से दिखाई देता है, और इसका जो काम होता है यू कैन अप्लाई द बेस्ट मल्टीपल कलर्स टेक्सचर्स पिक्चर एंड मैनी अदर इफेक्ट इन द बैकग्राउंड ऑफ एनी स्लाइड, किसी भी स्लाइड का जो बैकग्राउंड दिया हुआ है उसके अंदर आपको मल्टीपल कलर्स टेक्सचर पिक्चर या एनी कोई दूसरा इफेक्ट लगाना हो तो उसके लिए आपको फॉर्मेट बैकग्राउंड का यूज करना पड़ता है जो आपका इस टाइप से दिखाई देगा फ्रेंड्स। और इसका यूज करने के लिए आपको इस वाले स्टेप का फॉलो करना है, क्लिक ऑन द स्लाइड, उस स्लाइड पे क्लिक करना है जिस स्लाइड के बैकग्राउंड में मल्टीपल कलर्स टेक्सचर या पिक्चर या कोई भी अदर इफेक्ट लगाना हो उस पर क्लिक करके फिर आपको फिर डिजाइन टैब पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे क्लिक फॉर्मेट बैकग्राउंड, एक ऑप्शन होगा आपका फॉर्मेट बैकग्राउंड का जो आपको डिजाइन टैब में मिलेगा, इस पर क्लिक करने के बाद द फॉर्मेट बैकग्राउंड पैनल विल ओपन, फिर आपका फॉर्मेट बैकग्राउंड का पैनल ओपन हो जाएगा। इसमें जाने के बाद नाउ यू कैन अप्लाई मल्टीपल कलर्स टेक्सचर पिक्चर एंड एनी अदर इफेक्ट, फिर आप फॉर्मेट बैकग्राउंड पैनल का यूज करके आसानी से किसी भी स्लाइड के बैकग्राउंड में मल्टीपल कलर्स टेक्सचर पिक्चर या कोई भी इफेक्ट लगाना हो आसानी से आप लगा सकते हैं। तो आपने देखा फ्रेंड्स डिजाइन टैब के अंदर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इन सभी का हम पावर पॉइंट में यूज कैसे करते हैं। और जो भी मैंने आपको इस वीडियो में समझाया हुआ है ये सिर्फ थ्योरी की क्लास है। अगर आपको पावर पॉइंट के अंदर ये जो हमारा डिजाइन टैब है इसके अंदर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इन सभी का आपको प्रैक्टिकल यूज करना हो तो इस वीडियो की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके डिजाइन टैब के बारे में प्रैक्टिकल यूज कैसे करते हैं आसानी से आप सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आता है फ्रेंड्स तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आगे की नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे ट्रांजिशन टैब। ट्रांजिशन टैब के अंदर यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इन सभी का हमें पावर पॉइंट में यूज करना हो तो हम कैसे करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ साथ बेल आइकन बटन भी दबाना ना भूलें ताकि हमारी और भी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स।